वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास सेवन का चैप्टर नंबर 11 हम ले रहे हैं। आज चैप्टर 11 मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब चैप्टर नंबर 11 का हमारा टाइटल जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर, ट्रांसपोर्ट, ब्लड एक्सक्रीशन, डायलिसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, हार्ट फंक्शन ऑफ ब्लड, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, स्वीटिंग। तो आप चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्वीटिंग वगैरह और डायलिसिस और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो आप देखते हैं हम, द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। नंबर ऑफ सेल्स जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर डिपेंड करते हैं उसके साइज पर। बट यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट एज एन एडल्ट यू कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50,000 billion सेल्स। अगर आप देखें साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, मगर एक एडल्ट के अंदर जो है लगभग जो है 50,000 billion सेल्स होते हैं। इन ऑर्डर दैट द ऑर्गेनिज्म मे बी एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ, इस ऑर्डर में वो अपनी लाइफ को मेंटेन करता है एंड सर्वाइव, और क्या सर्वाइव करता है, ऑल इट्स सेल्स मस्ट बी सप्लाइड विद एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन, वाटर ईटीसी। क्या है, ऑल इट्स सेल्स मस्ट बी सप्लाइड विद एसेंशियल सब्सटेंसेस, जो जितने भी सेल हैं इन सबको क्या है सप्लाई की जाती है एसेंशियल सब्सटेंस की, जैसे कि फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ईटीसी। सो सम मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म टू कैरी एसेंशियल सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट सो दैट दे रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी। क्या है, तो इसलिए कोई ना कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर जो है उसके एसेंशियल सब्सटेंस को कैरी करने के लिए बॉडी के वेरियस पार्ट तक पहुँचने के लिए, हर एक सेल तक, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल के हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए क्या है एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। इन साइंस ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, साइंस के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट जो है एक लाइफ प्रोसेस है, इन विच अ सब्सटेंस, इसके अंदर जो सब्सटेंस है एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं और क्या कहते हैं, जो बॉडी के एक हिस्से में बनना है तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाना, यही क्या कहलाता है ट्रांसपोर्ट कहलाता है। बॉडी के अंदर एक तरफ बनना है तो वहाँ से दूसरे पार्ट तक ले जाना, यही क्या है एक तरीका, क्या है एक लाइफ प्रोसेस है जो कि ट्रांसपोर्ट है। बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट का काम होता है एक तरीके से, जो भी चीज़ ऑक्सीजन का ले जाना या हीमोग्लोबिन, तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो इसलिए जो है बहुत सारा जो है ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर जो है एसेंशियल सब्सटेंस का, क्योंकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने को। एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। एनिमल और प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं नंबर क्या है वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस, अपनी लाइफ प्रोसेस के दौरान जो है एनिमल और प्लांट जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और यही वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी के बाहर जो है फेंक दिया जाता है। इफ नॉट थ्रोन आउट, अगर ये ना फेंका जाए ना बाहर किया जाए, दे हार्म द ऑर्गेनिज्म, ये जो है ऑर्गेनिज्म को हार्म करेगा, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर ना किया जाए, रिमूव ना किया जाए, तो बॉडी के अंदर क्या है वो नुकसान पहुँचाएंगे। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द वेस्ट प्रोडक्ट आउट of the body is called excretion, जो waste product है body से बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं excretion कहते हैं। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स, हम किसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन्स मतलब यातायात एक तरीके से जो है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाता है ह्यूमन्स के अंदर उसकी बॉडी के अंदर देखेंगे। In humans, transport of substance takes place through a well-developed and advanced system called circulatory system. क्या होता है मनुष्य के अंदर जो transport होता है substance का एक well-developed और advanced system के द्वारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं circulatory system कहते हैं। This system mainly consists of blood vessels, heart एंड ब्लड। क्या है इस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट होता है और ब्लड होता है।
द फंक्शन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एज फॉलो, जो फंक्शन होता है इन कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो इस प्रकार है हम देखेंगे। आप जैसे ये बॉडी है, बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर, हम देखते हैं इसे नीचे, ये टू पार्ट्स, होल बॉडी जो है टू पार्ट्स में, अपर और लोअर पार्ट है आप देखेंगे, और ये हार्ट है, हार्ट इस तरीके से जो है पंप कर रहा है, पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम कर रहा है। तो आप देखिए हार्ट के जो ऊपर हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट जो है, तो फोर चैम्बर होता है। अपर जो अपर दो चैम्बर होते हैं उन्हें एट्रियम कहते हैं और ओरिकल भी कहते हैं। नीचे के जो दो चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब लेफ्ट और राइट करके भी है, लेफ्ट और राइट कर भी है। आप देखेंगे आप जो लेफ्ट साइड में है हमारा, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ऊपर के दो जो होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, नीचे के जो दो चैम्बर होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप इसके अंदर प्योर ब्लड की बात की जा रही है, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जा रही है। तो हमारे जो बॉडी से जितना भी ब्लड है, हमारी बॉडी जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या हम उसे इम्प्योर ब्लड, तो आप देखिए बॉडी से जितना भी हमें बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, ये फोर चैम्बर हैं हार्ट्स के, ठीक है, इसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट हमने बॉडी को कर दिया है। तो आप देखेंगे तो आप बॉडी के अंदर देखेंगे जो हार्ट है हमारा, जो फोर चैम्बर है इसके अंदर अपर जो चैम्बर होते हैं वो हमारे एट्रियम या ओरिकल कहलाते हैं, नीचे के जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी से ऊपर से नीचे से जितना भी इम्प्योर ब्लड है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है, जैसे हम गंदा खून कह रहे हैं, इम्प्योर ब्लड जो है हमारी बॉडी से नीचे वाले हिस्से से जो हमारे अपर पार्ट में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, मतलब राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, ऊपर से भी राइट एट्रियम में आएगा और नीचे से भी राइट है। तो राइट एट्रियम से इसके अंदर दो आप देखेंगे दो ट्यूब है, एक का नाम है पोस्टीरियर वेना कावा और दूसरी जो एक है एंटीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा से जो आ रहा है ब्लड ऊपर वाले पोर्शन से, हमारे जो अपर पोर्शन है हमारी बॉडी को, ऊपर वाला एब्डोमेन से ऊपर वाला पोर्शन है, उससे जितना भी इम्प्योर ब्लड है इसके अंदर आ रहा है इंटीरियर वेना कावा से, हमारे किसमें आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर, और नीचे से बॉडी के एब्डोमेन के नीचे से सारा जो इम्प्योर ब्लड है वो पोस्टीरियर वेना कावा से अंदर जा रहा है, ठीक है। किसके अंदर जा रहा है, एक ही चैम्बर से अंदर जा रहा है, ऊपर से आ रहा है इंटीरियर से, नीचे जा रहा है पोस्टीरियर से, और एक ही चैम्बर जो हमारा है राइट एट्रियम के अंदर, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। फिर राइट एट्रियम से वो जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड है वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है, किसमें जाता है, लंग्स में। जो ब्लू कलर जो दिखाया गया है, ये जो नीला जो स्काई ब्लू कलर दिखाया गया है, ये इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड जो है हमारा किस में जा रहा है, अब लंग्स में जा रहा है, किससे, ये ब्लड जो है हमारा कहाँ इकट्ठा हुआ, कहाँ पर इकट्ठा हुआ, हमारे राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम से किस में आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल ने इसे पंप करा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स में फिल्टर होने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन मिला दी जाती है। तो फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, मतलब लेफ्ट ओरिकल के अंदर आता है, ओरिकल कह लीजिए या एट्रियम कह लीजिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है हमारा होल बॉडी में पंप कर दिया जाता है आउटा के द्वारा। आपको हम एक रफ डायग्राम से समझाते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा ना आएगा। सपोज करिए एक हमारा हार्ट, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं अपने हार्ट का, ठीक है। समझिए ये फोर चैम्बर है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। आपने देखा ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये
राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर अट्रियम कहलाते हैं राइट लेफ्ट करके, और नीचे वाले जो होते हैं राइट लेफ्ट करके वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है हमारे इस वाले चैम्बर में आता है, ठीक है, ऊपर से भी आता है, ठीक है, और यहाँ नीचे बॉडी से भी आता है। जैसा हमने बताया था ये एंटीरियर वेना कावा है, एंटीरियर वेना कावा, ठीक है, और ये क्या है, हमें इसे पोस्टीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। इससे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो है हमारे इस चैम्बर में आता है, फिर इस चैम्बर से जो ब्लड है हमारा इम्प्योर इस चैम्बर में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी से जो है हमारे कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ये हमारे क्या है, लंग्स है, लंग्स में जाता है, ठीक, लंग्स के अंदर जाता है। और लंग्स से जो प्योर ब्लड है हमारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स से कहाँ पर आता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये होता है पल्मोनरी वेन होती है, क्या होती है, पल्मोनरी क्या होती है, पल्मोनरी क्या होती है, ये कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन होती है। ये जो ब्लड जो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। और जो ब्लड प्योर ब्लड जो आता है ये कौन सी है, पल्मोनरी वेन होती है। ठीक, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, प्योर ब्लड। और ये जो हमारा होता है ये वाला इस चैम्बर से जो जाता है लंग्स के अंदर, ये इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड, इसे कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर ब्लड को कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से हमारे इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो फिर आने के बाद इसमें जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये हमारा ये वाला चैम्बर जो होता है हाईली मस्कुलर होता है। अगर हम बाकी तीन चैम्बर को और देखें, इसके अंदर ये जो चैम्बर होता है बहुत ज़्यादा कहते हैं मस्कुलर होता है, हाईली मस्कुलर, जो बहुत तेजी के साथ पंप करता है। और आओटा एक बहुत बड़ी जो हमारी आप देखेंगे आर्टरी होती है, बहुत बड़ी आर्टरी होती है आओटा, क्या कहते हैं, आओटा, बहुत बड़ी, इसी चैम्बर से निकलती है, उसे कहते हैं हम आओटा। आओटा जो है पूरी होल बॉडी के अंदर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है। आओटा जो होती है होल बॉडी, चाहे वो ब्रेन हो चाहे फूट हो, हर एक जगह तक ये इतने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करती है कि आओटा के जरिए जो है हर एक आर्टरी के द्वारा जो है ब्लड जो है हमारे ब्रेन तक और फूट तक आसानी से पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया कि बहुत ध्यान से आपको करना है। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, हमारे राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किसमें जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में ब्लड फिल्टर होके कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, और पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है, और फिर ये इस चैम्बर में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसे पंप करता है आओटा के जरिए, एक बड़ी आर्टरी होती है जिसे हम आओटा कहते हैं, ये पूरे होल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को पहुँचा देती है, पंप कर देती है। तो ये क्या था, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब देखिए हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ब्लड वेसल्स जो है पूरी बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर ब्लड सेल्स। ये थ्री टाइप्स के मेजर ब्लड सेल्स हैं, द आर्टरीज, द कैपिलरीज एंड द वेन्स। तो आपने देखा थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी। आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को होल बॉडी तक ले जाने का काम होता है, किसका, आर्टरीज का काम होता है। मतलब प्योर ब्लड ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। While most arteries carry oxygenated blood, there are two exceptions to this.
क्या है, आप देखिए ज्यादातर जो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके, मतलब दो एक्सेप्शन है इसके अंदर, द पल्मोनरी एंड द अम्बिलिकल आर्टरीज, द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या है, आपने दो एक्सेप्शन से, एक पल्मोनरी और अम्बिलिकल, अम्बिलिकल जो आर्टरीज होती हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी डी ऑक्सीजन, मतलब इम्प्योर ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, और कहाँ लेके जाती हैं, लंग्स तक लेके जाती हैं, और किस चीज़ के लिए जाती हैं, ऑक्सीजनेशन कराने के लिए, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए जो है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं लंग्स तक ब्लड को लेके जाती हैं। द अम्बिलिकल आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अ फीटस टू इट्स मदर। जो अम्बिलिकल जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू इट्स मदर। जो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है फीटस की, मतलब भ्रूण की, तो वो उस भ्रूण से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी माँ तक लाने में जो है ये अम्बिलिकल आर्टरी जो है काम करती है। अब देखते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ बॉडीज ब्लड वेसल्स। कैपिलरी जो होती हैं बॉडी की सबसे छोटी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। अवर आर्टरीज ब्रांच एंड नैरो इनटू आर्ट्रियोल्स। क्या है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो ब्रांच हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं, किसके अंदर हो जाती हैं पतली, वो आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं, एंड देन ब्रांच फर्दर इनटू कैपिलरी। और आर्ट्रियोल्स और ब्रांच होती हैं तो क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज, मतलब आर्टरी की ब्रांच होती है नैरो हो जाती है तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और आर्ट्रियोल और फर्दर ब्रांच में चेंज हो जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम कैपिलरीज कहते हैं। विच फाइनली मर्ज इनटू वेंस, और ये आखिर में क्या होती हैं, किसके अंदर मर्ज होती हैं, वेंस के अंदर मर्ज हो जाती हैं। द आर्टरी नेटवर्क कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। आर्टरी का जो नेटवर्क है वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। बट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी आर टू थिक फॉर ऑक्सीजन एंड फूड टू पास थ्रू। क्या है, इसकी जो आर्टरी की जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, जो कि ऑक्सीजन और फूड को क्या करती है, इसके द्वारा जो है जो ऑक्सीजन और फूड जो है इससे पास हो जाता है। इन ऑर्डर टू डू इट्स मेन जॉब ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, तो इसका काम क्या होता है, मेन काम होता है ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस का। द ब्लड हैज़ टू पास फ्रॉम द थिक आर्टरीज इन टू वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। क्या होता है, ब्लड जो है पास होता है एक थिक आर्टरी से बहुत थिन वॉल, पतली थिन वाली, मतलब बहुत ही थिन वॉल वाली ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। मतलब आर्टरी से जो है ब्लड किस में जाता है, कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरी क्या होती है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। द कैपिलरी वॉल परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन बाय अलाउइंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू पास अक्रॉस इट। जो उसका जो कैपिलरी जो होती हैं उनकी जो वॉल होती है परफॉर्म करती है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो क्या करती है, अलाउ करती है, उसकी जो मेम्ब्रेन, उसकी जो वॉल है वो अलाउ करती है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पास होने में अपने अंदर से। कैपिलरीज की जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, वो अलाउ कर देती है पास होने के लिए किस चीज़ को, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। वेंस, वेंस आफ्टर द ब्लड हैज गिवन अप इट्स ऑक्सीजन एंड इट एंड इज डार्क रेड अगेन। क्या होता है, जब ब्लड जो है अपना ऑक्सीजन दे देता है तो वो दोबारा कैसा हो जाता है, इज डार्क रेड अगेन, वो डार्क हो जाता है, ब्लड डार्क रेड हो जाता है दोबारा से। इट लीव्स द कैपिलरीज एंड इंटर द ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन, और ये जो है किसके अंदर छोड़ देता है, कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज जो होती है इंटर द ब्लड वेसल कॉल्ड वेंस, जो कि वो कैपिलरी जो है वेंस के अंदर इंटर कर जाती है, तो उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं। जो कैपिलरी जो है ब्लड वेसल में इंटर करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेंस कहते हैं। वेंस कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड को कैरी करती है, और वेन जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट। और इसका काम क्या होता है, टिश्यूज से ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है, मतलब वापसी हार्ट तक ले जाने के। आर्टरी का काम होता है हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेकर आने का, और वेंस का काम होता है बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम होता है। अगेन एक्सेप्शंस आर द पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेंस विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। आप देखेंगे पल्मोनरी और अम्बिलिकल वेंस जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को से लाती हार्ट
हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, वेंस आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज, वेन जो होती है लेस मस्कुलर होती है आर्टरीज से, मतलब ज्यादा मस्कुलर नहीं होती, एंड आर ऑफन क्लोजर टू द स्किन, और ये जो है स्किन के बहुत क्लोज होती है। कौन वेंस? वेंस आर हैव टाइनी वन वे वॉल्व्स व्हिच हेल्प कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। क्या है इसके अंदर क्या होता है, वन वे वॉल्व्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, ब्लड को बैकवर्ड फ्लोइंग को उसे रोक देते हैं, ब्लड जो है एक तरफ ही जाएगा, इसके अंदर वापसी नहीं आता। सो ब्लड ऑलवेज फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट, तो इसलिए हमेशा वेन के अंदर जो ब्लड जो है किधर की तरफ को जाता है, हार्ट की तरफ को जाता है, दिल की तरफ जाता है। देखिए आर्टरीज वेंस कैपिलरीज, आर्टरी क्या होती है, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी जो होती है हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाने का काम करती है। वेंस वेंस कैरी ब्लड टू द हार्ट, वेन जो है पूरी बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लाने का काम करती है। कैपिलरीज कैपिलरीज स्प्रेड टू अल्टीमेटली डिलीवर ब्लड टू द टिश्यूज एंड बैग, और कैपिलरी का काम क्या होता है, ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचाना और फिर वहां से वापसी लेकर आना। नंबर टू, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम होता है। वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का वर्क करती है। नंबर टू, इसी का कैपिलरी, कैपिलरीज कैरी बोथ टाइप्स ऑफ ब्लड, कैपिलरी का जो है दोनों तरीके के ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। जब वो ब्लड आर्टरी से लेकर आती है तो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, जब वो ब्लड वेन से लेकर आती है और हार्ट तक पहुंचाने में काम करती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। नंबर थ्री देखेंगे इसका, नंबर सेकंड, ये अभी ब्लड जो आर्टरी के देखेंगे, पल्मोनरी और अम्बिलिकल आर्टरी को छोड़ के बाकी सब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। ये दोनों जो होती हैं पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड आती हैं। अब जैसे कि वेन के अंदर सारी वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कैरी करती हैं, मगर जो है एक्सेप्शन पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। फिर क्या है, कैपिलरी जो है बोथ टाइप्स के ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड एज वेल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नंबर थ्री, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड नैरो वेसल्स, आर्टरी जो होती है थिक वॉल होती है और नैरो वेसल्स होती है। नंबर थ्री, वेन्स आर थिन वॉल्ड वाइड वेसल्स, वेन जो होती है थिन वॉल्ड होती है मतलब पतली दीवार वाली होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है, और वो वेसल्स कैसी होती है, वाइड होती है, चौड़ी होती है। नंबर थ्री, कैपिलरी आर वेरी थिन एंड वेरी नैरो, कैपिलरी जो होती है बहुत ज़्यादा महीन होती है और बहुत ज़्यादा नैरो होती है, ठीक है ना। ट्रेन योर ब्रेन, If all the blood capillary in our body are placed end to end in a row, अगर सारी capillary को end to end रख दिया जाए body के अंदर, they could extend to a length of 1 lakh kilometer. तो वो कितनी लंबी हो जाएगी, 1 lakh kilometer के बराबर हो, मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी कैपिलरी है उसे एंड टू एंड रख दिया जाए एक रो के अंदर, तो वो कहाँ तक लंबी हो जाएगी, 1 lakh kilometer के इक्वल हो जाएगी। हार्ट, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी द विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। क्या है, हमारा हार्ट जो है जो एक ऑर्गन है वो हमेशा बीट करता रहता है, लगातार धड़कता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है ताकि उससे जितनी भी सब्सटेंस है वो जो है वो ट्रांसपोर्ट होते रहे। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, आप देखा जाए आप जो आप रफली देखा जाए तो हार्ट का जो साइज है हमारी जो फिस्ट है मतलब हमारी जो मुट्ठी है उसकी बराबर का होता है लगभग जो है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड द लेफ्ट। क्या होता है हमारे क्या कहाँ पर होता है, ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोअर टिप की तरफ और स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ को ये झुकावा होता है। क्या हमारा दिल जो होता है, हमारा दिल लोअर साइड में होता है, चेस्ट के अंदर होता है, लोअर चेस्ट कैविटी में लोअर टिप पर होता है और स्लाइटली जो होता है थोड़ा हल्का सा टिल्ड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एट द लोअर टिप इज मोर पावरफुल, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका हार्ट का लोअर टिप इज मोर पावरफुल, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके हार्ट के जो है लोअर टिप में बहुत ज़्यादा होता है, मोर पावरफुल होता है। एंड फेल्ट देयर ऑन प्लेसिंग योर हैंड, इट अपीयर्स दैट द हार्ट इज वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, इसलिए हमें जो है दिल जो है हमारे लेफ्ट साइड की नज़र चेस्ट में लेफ्ट साइड पर हमें लगता है कि हमारे लेफ्ट साइड पर हमारे दिल है। एक्चुअली द हार्ट लाइज इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट बिटवीन द टू लंग्स, असल में हमारा जो हार्ट जो होता है बिल्कुल मिडिल में होता है, लगभग जो है मिडिल में होता है, लंग्स के बिल्कुल मिडिल में होता है, बस वो जो थोड़ा सा टिल्ड होता है ना
लेफ्ट साइड की वजह से, इसलिए हमें हमारा दिल जो है लेफ्ट साइड में नजर आता है। द कॉन्ट्रेक्शन फेस ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। तो आप देखें द कॉन्ट्रेक्शन फेस ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। जो उसका कॉन्ट्रेक्शन फेस होता है हार्ट का वो क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। द रिलैक्स्ड फेस एक्सपेंशन फेस ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल। और उसका जो रिलैक्स फेस होता है हार्ट का वो क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। आप देखें कॉन्ट्रेक्शन फेज जो है हार्ट का क्या कहलाता है, सिस्टोल। जो रिलैक्स फेज है क्या कहलाता है, डायस्टोल। हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम द लंग्स विच पम्प्ड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्यूरिफाइड ब्लड को रिसीव करता है और पूरी बॉडी में पंप कर देता है। डीऑक्सीजनेटेड और कार्बोऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड कलेक्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी इज क्या है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बोऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है पूरी बॉडी से, कलेक्ट एंड सेंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज सेंड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बोऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पूरी बॉडी से इकट्ठा होता है और हार्ट को भेज दिया जाता है बैक वापसी, और वो हार्ट जो है उसे पंप करके कहाँ भेज देता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। Both the oxygenated and deoxygenated blood come to the heart, but they never mix up as the heart has four chambers. क्या होता है, Both the oxygenated and deoxygenated blood come to the heart, but they never mix up as the heart has four chambers. The upper two chambers are called auricles or atria, and the two lower chambers are called ventricle. आपने देखा हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही तरीके का ब्लड होता है और वो कभी भी मिक्स नहीं होता क्योंकि वो फोर चैम्बर्स का होता है। इसके अंदर ऊपर के दो जो चैम्बर है उन्हें ऑरिकल्स या आट्रिया कहते हैं और नीचे के दो चैम्बर जो होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चैम्बर्स की वजह से जो है प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है मिक्स नहीं होता। द ब्लड विच हैज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स कम्स इनटू द लंग्स है, जो लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमारे हार्ट के लेफ्ट ओरिकल में आता है। इट इज पुश्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश्ड कर दिया जाता है। विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। और फिर जब हमारे लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है होल बॉडी के अंदर उसे पुश कर देता है आर्टरी के द्वारा। द ब्लड विच हैज गिवन ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स कम बैक इनटू द राइट ओरिकल। और जब वो जो ब्लड है वो सभी ऑर्गन को जब ऑक्सीजन दे देता है तो वो वापसी बैक आता है किसके अंदर, राइट ओरिकल के अंदर आ जाता है हार्ट के थ्रू द वेंस, वेंस के द्वारा। इट इज पुश्ड टू द राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम देयर सेंड टू द लंग्स टू द टैप ऑक्सीजन। और फिर जो जो राइट ओरिकल से वो किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को जो इम्प्योर ब्लड है उसे सेंड कर देता है लंग्स तक और लंग्स में जाके वो क्या होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ रिलीज करके वापसी जो है वो लेफ्ट ओरिकल के अंदर आ जाता है। हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। आप देखेंगे हार्ट के जो चैम्बर्स की जो वॉल है किसकी बनी है, मसल्स की बनी है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, सिकुड़ती भी है और फैलती भी, रिलैक्स भी होती है रिथमिकली रिजल्टिंग इन हार्ट बीट। इसे यही जो इसका जो रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का रिथमिकली, तो ये क्या कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। दीज सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस लव एंड डब साउंड एंड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन हार्ट बीट। ये क्या है, जो सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ये दो तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, लव एंड डब, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, हार्ट बीट कहते हैं। वी कैन फील द हार्ट बीट बाय प्लेसिंग अवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हम अपनी हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अपने हैंड को जो है अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखकर। द डॉक्टर्स मेजर द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ मिनट
विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर है हार्ट बीट को एक मिनट के अंदर काउंट करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्टेथोस्कोप। इट इज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ये डिवाइस है जो कि हार्ट के साउंड को एम्पलीफाई करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज सेंसिटिव डायफ्राम। क्या होता है इसके अंदर? एक चेस्ट पीस होता है जो कि डायफ्राम का सेंसिटिव होता है। टू एयर पीस, और इसके अंदर दो एयर पीस होते हैं, एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स। दो एयर पीस और एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, इन दोनों को एक ट्यूब ज्वाइन करती है। डॉक्टर गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू इसको। डॉक्टर जो है वो आपके हार्ट की कंडीशन को क्या करता है? लिसन करता है थ्रू आउट द स्टेथोस्कोप। व्हेन अ पर्सन रन्स हिज और हर हार्ट बीट इंक्रीज। जब कोई पर्सन जो है दौड़ता है तो उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। पल्स, ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। क्या होता है? ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द हार्ट आर्टरीज। क्या है? ईच हार्ट बीट जो है एक पल्स जो है आर्टरीज में क्या करती है? ठीक, जो है जो ईच हार्ट बीट है वो जनरेट करती है वन पल्स इन द आर्टरीज। एंड द पल्स रेट पर मिनट, पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो एक मिनट में जितनी पल्स रेट होंगी वो क्या करेंगी? रेट ऑफ हार्ट बीट को शो करेंगी। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज ऑलवेज इक्वल टू द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। रेट ऑफ हार्ट बीट जो होती है इक्वल होती है हमेशा पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। द रिथमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या जो रिथमिक बीटिंग है, जो हार्ट बीट है, ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन द सर्कुलेशन, वो क्या करती हैं? सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं ऑफ अ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और वो क्या करती हैं? पूरे बॉडी के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। द ह्यूमन हार्ट वे ओनली 225 टू 340 ग्राम्स एंड पम्प्स अबाउट 16,360 लीटर ऑफ ब्लड इन 24 आवर्स। आप देखेंगे मनुष्य का जो दिल का वजन है 225 से 340 ग्राम के बीच में है, और वो जो है कितना ब्लड जो है पंप करता है 24 घंटे में? 16,360 लीटर जो है ब्लड को पंप करता है। ब्लड, ब्लड इज अ बॉडी फ्लूड इन एनिमल दैट डिलीवर्स essential substance like nutrients and oxygen to the cells and transport waste product from those same cells. क्या होता है? body blood जो है एक body fluid है जो animals के अंदर होता है, और इसका काम क्या होता है? delivers the essential substance, इसका काम होता है essential substance का deliver करना, ठीक है, जैसे कि nutrients, oxygen टू द सेल्स, सेल्स को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को पहुंचाना, एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दम दो सेल्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके जो सेम सेल्स होते हैं वहां तक उसको पहुंचाना। इट इज ब्राइट रेड व्हेन इट्स हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजनेटेड। ये क्या होता है? चमकदार लाल रंग का होता है जब इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड डार्क रेड व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड। और ये डार्क रेड हो जाता है जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्राइट रेड कलर होता है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है तो ये क्या होता है? डार्क रेड होता है, ठीक है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड जो है किससे बना होता है? ब्लड सेल्स से बना होता है। सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स 55% ऑफ ब्लड फ्लूड। प्लाज्मा जो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का, जो कि क्या होता है? 55% ऑफ ब्लड फ्लूड होता है। जो प्लाज्मा होता है ब्लड फ्लूड होता है 55% इज मोस्टली वाटर। क्या होता है ये? ज्यादातर क्या होता है? पानी होता है, तरल होता है। 92% बाय वॉल्यूम एंड कंटेंट्स प्रोटीन्स ग्लूकोज हॉर्मोन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड सेल्स। इसके अंदर लगभग 92% जो होता है जो उसका वॉल्यूम हो उसके अंदर जो होता है क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड सेल्स। ब्लड इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स बाय द पंपिंग जंक्शन ऑफ द हार्ट। ब्लड जो है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के पंपिंग एक्शन के द्वारा ब्लड वेसल्स से ये पूरी बॉडी में क्या है? ब्लड सर्कुलेट करता है।
function of blood. Blood perform many important functions within the body include. Blood जो है बहुत सारे function को perform करता है body के अंदर. नंबर वन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, इसका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना टिश्यूज तक. नंबर टू सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड और फैटी एसिड का सप्लाई करने का भी काम कौन करता है ब्लड. फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, और इसका काम क्या होता है ब्लड का के हमारे फंक्शन ऑफ ब्लड का रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया एंड लैक्टिक एसिड. ब्लड सेल्स, ब्लड कंटेन थ्री काइंड्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन टू परफॉर्म. ब्लड सेल्स थ्री टाइप्स होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो इनका क्या है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है और फंक्शन है. नंबर वन रेड ब्लड सेल्स RBCs कहते हैं हम इसे, RBCs. रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर विदाउट न्यूक्लियस, रेड ब्लड सेल्स जो होती है सर्कुलर होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. दीज कंटेन आर रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन बिंड्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बिंड हो जाता है, ठीक है, तो क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. क्या होता है ये हर एक पार्ट को बॉडी के हर एक सेल तक इसे जो है पहुंचाने का काम करता है किसके ऑक्सीजन का. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो ब्लड जो है कैसे नजर आता है रेड कलर का नजर आता है. ऑन रीचिंग सेल्स इट गिव्स ऑफ ऑक्सीजन एंड बिंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब सेल तक पहुंचता है तो वह ऑक्सीजन देता है और वहां के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बिंड कर लेता है, ठीक है, तो अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, तो वो क्या बनता है टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. क्या बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब वो ऑक्सीजन देके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो क्या बनता है अभी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज देन टेकन टू लंग्स फॉर इट्स एक्सहेलेशन, और फिर ये कहां तक लेकर आता है ये डीऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहां तक आता है लंग्स तक आता है, हार्ट से, हार्ट से लंग्स पहुंचता है और लंग्स में जाके इसे एक्सहेल कर दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करना जाता है लंग्स से एक्सेल कर दिया जाता है. व्हाइट ब्लड सेल्स देखें, व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं WBCs. व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड लीकोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम लीकोसाइट्स कहते हैं, और ये क्या होते हैं इम्यून सिस्टम होता है. सेल्स लीकोसाइट आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं. दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शंस डिजीज एंड फॉरन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस. ये जो इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं WBC लीकोसाइट जो होते हैं, WBCs कह लीजिए या लीकोसाइट कह लीजिए, ठीक है, ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज हो या फॉरन इन्वेडर जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, इन सबसे क्या करते हैं महफूज रखते हैं. ये क्या करते हैं इन इन्वेडर्स को, ये जो एजेंट्स होते हैं इन्फेक्टेड एजेंट्स होते हैं, इन्हें किल करने का काम करता है WBC. दे मेकअप approximately 1% of the total blood volume in a healthy adult. लगभग जो है देखा जाए 1% जो है total blood volume का एक healthy adult के अंदर, making them substantially less numerous than RBC at 40% to 45%. क्या होता है इसके अंदर आरबीसी कितना होता है 40% to 45%. However, this 1% of the blood makes a large difference to हेल्थ क्या है, और यही जो 1% जो है एक लार्ज डिफरेंस बनाता है हेल्थ के अंदर, एक स्वास्थ्य के अंदर, बिकॉज द इम्यूनिटी डिपेंड ऑन इट, क्योंकि इस पर जो है इम्यूनिटी क्या करती है डिपेंड करती है. द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन द ब्लड इज ऑफन एन इंडिकेटर ऑफ डिजीज, जो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं ये डिपेंड करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं डिजीज को के, एंड दस द WBC काउंट इज एन इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ द कम्प्लीट ब्लड काउंट. जो हम WBC को जो काउंट करते हैं तो एक कम्प्लीट ब्लड काउंट होता है अगर हम इसे सही से काउंट कर लेते हैं. प्लेटलेट्स बात समझ में आ गई, तो क्या है एक तरीके की ये इंडिकेटर ऑफ डिजीज होता है, और WBC जो काउंट की जाती है इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ कम्प्लीट ब्लड काउंट, और ये क्या है कम्प्लीट ब्लड काउंट का एक सबसेट होता है. प्लेटलेट्स, प्लेटलेट आर वेरी माइन्यूट सेल्स, प्लेटलेट जो होते हैं बहुत
माइन्यूट सेल्स होते हैं, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। व्हेन स्किन इज कट ब्लड कम्स आउट, जब स्किन कट जाती है तो ब्लड बाहर आता है, तो आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप व्हाइल अ डार्क रेड क्लॉट प्लग्स द कट। क्या होता है, कुछ देर बाद जो होता है ये डार्क रेड कलर का प्लग जो है उस कट पर बन जाता है। इफ ब्लड क्लॉट इज नॉट फॉर्म्ड, अगर ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो रहा है, इट विल कीप ऑन कमिंग आउट एंड कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ। अगर ब्लड रुक नहीं रहा है और उसे क्लॉट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके कट लगा है और ब्लड नहीं रुक रहा है और नहीं क्लॉट हो रहा है तो उसकी क्या होगी, ब्लड सारा वहाँ से बह जाएगा, जब रुकेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा इंसान। टिश्यूज रिलीज थर्मोप्लास्टीन विच थ्रो सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्ट विद प्लेटलेट्स। क्या होता है, टिश्यू जो इंजर्ड टिश्यू है, द इंजर्ड टिश्यूज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टीन विच थ्रो सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्ट विद प्लेटलेट्स। जो इंजर्ड टिश्यू है उसके अंदर से क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टीन, जो कि क्या करता है, सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्ट विद प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के साथ रिएक्ट करता है और ब्लड टू फॉर्म फिब्रीन विच इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखें थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्लेटलेट प्लेटलेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या है, फिब्रीन को फॉर्म करता है और फिब्रीन क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस ट्रैप्स ऑल द रेड ब्लड सेल्स एंड अल्टीमेटली चेंज देम इनटू अ हार्ड मास कॉल्ड क्लॉट। और ये जो है जो नेट है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है फाइबर का, ये क्या करता है, सारे रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, उन्हें रोक देता है, ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर क्या होता है, एक हार्ड मास बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉट, फ्रॉम विच नो मोर ब्लड कैन कम आउट। और फिर इसकी वजह से जो है और ब्लड वहां से बाहर नहीं आता। देखते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, हार्मफुल वेस्ट होता है, उसे रिमूव करने का इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो नोन एज एक्सक्रीट्स, ठीक है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट्स बोलते हैं। आर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, जितनी भी जो है सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके द्वारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस सबको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट्स बोलते हैं। दिस सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड आर These substances can not be used by our organism and are therefore excreted. क्या है, ये सब्सटेंस जो है ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता तो इसलिए क्या इसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। दे इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एंड वाटर। इफ नॉट एक्सक्रीटेड दियर सब्सटेंस विल हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इन सब्सटेंस को रिमूव नहीं किया गया बॉडी से तो क्या है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। नोट दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कन्वर्ट फूड फ्यूल। क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है फूड को कन्वर्ट कर देती है टू एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, एंड इलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट, और क्या कर, इलिमिनेट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन प्रोटीन आर ऑक्सीडाइज नाइट्रोजनस कंपाउंड अमोनिया एंड यूरिया आर फॉर्म्ड। क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और फैटी एसिड का, तो फूड्स प्रोड्यूस करता है एनर्जी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन प्रोटीन ऑक्सीडाइज, जब प्रोटीन ऑक्सीडाइज होता है तो वहाँ क्या निकलता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि अमोनिया एंड यूरिया आर फॉर्म्ड। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इन सिंपल एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड स्पॉन्जेस वेस्ट आर रिमूव थ्रू द बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप देखेंगे जैसे सिंपल एनिमल होते हैं या जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पंजेस हो गए, तो इनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा जो है रिमूव होता है। दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के। इन सिंपल इंसेक्ट्स द प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक ट्यूब
ट्यूब्यूल्स कॉल्ड मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, क्या है इंसेक्ट के अंदर जो होता है द प्रिंसिपल एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स होता है जिसे हम मालफीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, दैट रिमेन अटैच्ड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक एट द एक्सट्रीम इंटीरियर एंटीरियर एंड ऑफ द हिंड गट। क्या होता है ये, किससे अटैच होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक से अटैच होता है एक्सट्रीम एंटीरियर ऑफ द हिंड गट, जो हिंड गट होता है उससे ये अटैच होता है उसके एक्सट्रीम एंटीरियर एंड से। दिस वेस्ट मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द ट्यूब्यूल टू द गट, जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है ट्यूब्यूल से और कहाँ तक जाता है, गट तक, फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी अलोंग विद फीसिस, और ये क्या होता है बॉडी से रिमूव हो जाता है किस फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है, ट्यूब्यूल के जरिए गट में आता है, गट से क्या होता है बॉडी से फीसिस की फॉर्म में जो है रिमूव हो जाता है। इन वर्टिब्रेट द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस आर किडनी, वर्टिब्रेट के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन का और क्या करता है वो मेंटेनेंस करता है वाटर बैलेंस को आर किडनी, वो कौन सी होती है, वो किडनीज होती हैं। द गैसियस वेस्ट इन एनिमल इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज लिक्विड वेस्ट फीसिस कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड वेस्ट। क्या है, गैसियस वेस्ट जो है इन एनिमल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है गैसियस वेस्ट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड अमोनिया, और अमोनिया होता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज लिक्विड वेस्ट, क्या है इसे जो है इस यूरिया को जो है रिमूव करने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है इस लिक्विड वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो फिसिस कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड वेस्ट, क्या है, और फिसिस को फिसिस जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सॉलिड वेस्ट का, अमोनिया जो होता है एक तरीके से लिक्विड वेस्ट होता है और वो यूरिया जो है लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक, और जो फिसिस जो होता है ये सॉलिड वेस्ट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, किडनी मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर किडनीज, क्या है किडनीज जो होती है एक मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है जैसे हम किडनीज कहते हैं, ठीक है। किडनीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, क्या होता है बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि बैकबोन के ईदर साइड दोनों, किडनी जो होता है बैकबोन के ईदर साइड होता है मतलब बैकबोन के दोनों साइड पर होता है। दीज हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ये ब्लड को फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इसके जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर जो है रिमूव हो जाता है बॉडी से। फिल्ट्रेशन इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड नेफ्रॉन्स इन द किडनी, फिल्ट्रेशन जो होता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा होता है जो कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं नेफ्रॉन्स कहते हैं जो किडनी के अंदर होती हैं, ठीक है। वैन द ब्लड रिच इज द टू किडनी इट बहुत यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, क्या होता है जब ब्लड जो है टू किडनीज तक पहुंचता है तो इस कंटेंट उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस भी होता है हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो किडनी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड के अंदर बैक कर दिए जाते हैं। द वे डिसॉल्व इन वाटर, जो वेस्ट पानी में जो डिसॉल्व होता है वाटर में इंक्लूडिंग यूरिया आर रिमूव एज यूरिन, और ये इंक्लूडिंग यूरिया और उसे रिमूव कर दिया जाता है यूरिन की फॉर्म में। From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder. क्या है from kidneys? Kidneys से the urine goes into the urinary bladder. जो है kidney से जो है urine जो है urinary bladder में जाता है through tube like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. क्या है ये जो है किडनी से यूरेटर से होते हुए ये ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है स्टोर हो जाता है एंड इस पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, और जहाँ से यूरिनरी ओपनिंग होती है ठीक है द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब, जो कि क्या होती है एक मस्कुलर ट्यूब होती है उसका एंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी ओपनिंग जो होती है एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वहाँ से जो है ये रिमूव कर दिया जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 2 liters ऑफ यूरिन इन 24 hours, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है एक दिन के अंदर 1 to 2 liters जो है यूरिन जो है 24 घंटे के अंदर पास होता है रिमूव होता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन के अंदर जो 95% वाटर होता है 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब देखते हैं हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, आप देखेंगे ये क्या है बीन शेप जो होती है ये किडनीज होती हैं जो कि क्या होती है
बैकबोन के इधर साइड होती है, दोनों साइड में होती है। और ये जो आप ये येलो कलर का खेत देखेंगे, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, ये दो जो होती है यूरेटर होती है, ठीक है, जो कि किडनी से जो जो यूरिन है वो कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। यहाँ पर ब्लड फिल्टर होके जो लिक्विड वेस्ट होता है वो यूरेटर के द्वारा जो है कसम आ जाता है, इस ब्लैडर में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर जो होता है ये यूरेथ्रा होता है, ये यूरिन ओपनिंग पोर्शन होता है, तो यहाँ से क्या है ये रिमूव कर लिया जाता है, यही क्या है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है। देखिए डायलिसिस, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज टू किडनीज विच वर्क विद सेम एफिशिएंसी। एक नॉर्मल ह्यूमन के दो किडनीज होती है जो कि जो है सेम एफिशिएंसी मतलब एक ही क्षमता के साथ काम करती है। समटाइम्स अ पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है किसी पर्सन की किडनी जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है काम करने से, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी चोट की वजह से, इंजरी के। इफ वन किडनी इज डैमेज, अगर एक किडनी डैमेज हो जाए, देन द अदर किडनी सफिशिएंट फॉर एक्सक्रेटरी नीड्स। क्या अदर जगह एक किडनी डैमेज हो जाती है तो दूसरी किडनी जो है सफिशिएंट है उस वर्क को, एक्सक्रेटरी नीड्स के लिए, जो भी एक्सक्रीशन है उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। बट फेलियर ऑफ बोथ किडनी वुड लीड टू डेथ बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। क्या है अगर दोनों ही किडनी खराब हो जाए तो ये क्या है किसका कारण बनता है, मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन है जो वो जो है इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। सच अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस हिज ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ डायलिसिस। क्या है तो उस पर्सन को क्या है पीरियोडिकली टाइम टू टाइम जो है उसके जो है ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनीज के द्वारा। इस प्रिंसिपल और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस देखेंगे। प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस, वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टरी ऑफ द पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द आर्म। क्या है एक प्रोमिनेंट आर्टरी पेशेंट की जिसे जैसे कि आर्म से उसके बाजू से इज कनेक्टेड टू द डायलिसिस मशीन, उसकी जो है डायलिसिस मशीन से कनेक्ट कर दी जाती है। ब्लड फ्लो थ्रू अ सेलफोन ट्यूब इमर्स्ड इन अ साल्ट सॉल्यूशन। जो ब्लड जो है फ्लो होता है एक सेलफोन से, सेलफोन ट्यूब से, जो कि किसमें इमर्ज होती है, किसमें डूबी हुई होती है, डिप होती है साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। द कंटेंट ऑफ दिस साल्ट सॉल्यूशन आर केप्ट आइडेंटिकली विद दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ द पेशेंट। जो 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 साल्ट है, जो साल्ट सॉल्यूशन है, जो उसके द कंटेंट जो होते हैं उस साल्ट सॉल्यूशन के जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो जो उस ब्लड प्लाज्मा के आइडेंटिकली ही होते हैं, जो पेशेंट का जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके आइडेंटिकली होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन आर रिटेन इन द ब्लड। जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं ब्लड के अंदर, वाइल द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट टू द आउटर सॉल्यूशन। और जो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं इसके यूरिया के और अदर वेस्ट प्रोडक्ट के वो डिफ्यूज हो जाते हैं आउटसाइड टू द आउटर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन वगैरह वो रिटेन हो जाते हैं ब्लड में वापसी हो जाते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट के वो डिफ्यूजन के द्वारा जो डिफ्यूज मैथड है उसका तो वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं टू द आउटर सॉल्यूशन, जो आउट सॉल्यूशन है उसके अंदर बाहर हो जाते हैं। द डायलिसिस ब्लड इज रिटर्न टू अ वेन इन द सेम आर्म। जो है डायलिसिस जो ब्लड है वो रिटर्न हो जाता है किसके अंदर, उसी सेम आर्म के अंदर, उसी बाजू की जो आर्म उसी बाजू की जो वेन होती है उसी के अंदर वो रिटर्न हो जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, और ये प्रोसेस जो है कई मरतबा होता है डायलिसिस का। स्वीटनिंग, जो पसीना आता है। देयर आर मेनी ग्लैंड स्प्रेड ऑन द होल बॉडी स्किन। क्या है बहुत सारे जो ग्लैंड है जो कि पूरी बॉडी की स्किन पर जो फैले हुए हैं। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस अ वाटरी फ्लूड। ये ग्लैंड जो एक तरीके का वाटरी फ्लूड जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कॉल्ड स्वेट, जिसे हम पसीना कहते हैं। दिस ग्लैंड आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस आर एज स्वीटनिंग। स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेट इन देम। क्या होता है इनका फंक्शन क्या होता है, स्वीटनिंग का मतलब जो पसीना जो आता है, जो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को
फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेट इन देम, जो ब्लड इनके अंदर सर्कुलेट होता है तो वो जो ब्लड का जो वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। दिस कंटेन यूरिया सॉल्ट एक्सेस वाटर एंड अदर वेस्ट। क्या है, इस पसीने के अंदर जो होता है क्या क्या मौजूद होता है, यूरिया होता है, सॉल्ट होता है और एक्सेस वाटर होता है एंड अदर वेस्ट जो होते हैं, जो हमारा पसीना होता है, जो स्वेट होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो है यूरिया भी है, सॉल्ट भी है, एक्सेस वाटर भी है और अदर वेस्ट भी होते हैं। समटाइम इन अ समर वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन आवर क्लॉथ स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। These mark are left by salt present in the sweat। क्या है, आप देखें गर्मियों के दिनों के अंदर जो है हमारे कपड़े जो होते हैं जैसे अंडर आर्म बाजू वगैरह के अंदर जो है जो उसके अंदर जो होते हैं बड़े बड़े व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहां से क्या है ज्यादा मात्रा में क्या निकला है हमारे पसीने में, सॉल्ट निकला है। क्या निकला है, सॉल्ट। स्वीटनिंग इज अ रिपीट रैपिड इन समर एंड स्लो इन द कोल्ड सीजन। क्या है, जो पसीना जो है गर्मियों में ज्यादा आता है कंपेरिजन टू ठंड के अंदर, जो कोल्ड सीजन होता है। वेन द वेदर इज हॉट एंड हैज हाई ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्वेट। क्या है, जब वेदर जो है गर्म हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जो मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है हवा में ज्यादा है, द स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्वेट। तो जो स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारे जो पसीने वाले जो ग्रंथियां होती हैं उसके अंदर जो है पसीना जो है बहुत ज्यादा निकलता है। मच स्वीटनिंग आल्सो प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, ज्यादा स्वीटनिंग होती है, ज्यादा पसीना आता है तो क्या होता है वो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। व्हेन द स्वीट स्वेट वेपोराइज बाय मूविंग एयर इट एक्सट्रैक्ट बॉडी हीट प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है, जो जब पसीना जो है वेपोराइज हो जाता है बाय द मूविंग एयर, जो हवा जो चल रही है उस चलते हुए जो है हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है वेपराइज होता है, भाप बन उड़ जाता है, तो क्या होता है इट एक्सट्रैक्ट बॉडी हीट, जो क्या करता है एक्सट्रैक्ट कर देता है बॉडी हीट को बाहर निकाल देता है, प्रोड्यूसिंग आ कूलिंग इफेक्ट, जो उस कूलिंग इफेक्ट के जरिए जो है जो हमारी हीट जो है एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब जब पसीना आता है और जो हवा चलती है तो हवा क्या करती है उस पसीने को वेपराइज कर देती है, भाप बना के उड़ा देती है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो गर्मी वो बाहर निकल जाती है और हमारी बॉडी जो है एक तरीके से कैसा महसूस करती है, ठंडा महसूस करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कूलिंग इफेक्ट होता है। बिसाइड इट क्लीन्स द स्किन डीपली, इसके अलावा जो है हमें अपनी जो स्किन है उसे अच्छे से क्या है साफ करना चाहिए। इन द विंटर सीजन इट इज नॉट डीपली क्लीन एंड इट इचिज लाइटली। क्या होता है, विंटर सीजन के अंदर हम इसे सही से साफ नहीं करते तो इस वजह से जो है इचिज लाइटली, जो है खुजली वगैरह जो होती है इस तरीके की जो है बीमारियां जो इचिंग वगैरह शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमें हर सीजन में जो स्किन को अच्छे से साफ करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर किस तरीके से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स आर नॉट एक्टिव लाइक एनिमल्स, क्या है प्लांट जो है एनिमल्स की तरह एक्टिव नहीं होते, हैंस दियर को सेल्स हैव टू बी सप्लाइड विद मटेरियल वेरी क्विकली। क्या है, इसके अंदर क्या है कुछ सेल्स होते हैं जो कि मटेरियल को सप्लाई करते हैं बहुत तेजी के साथ। बिसाइड इसके अलावा ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप ऑफ प्लांट, क्या है इसके अलावा के उसकी जो प्लांट की जो शेप है वो ब्रांचिंग होती है, ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय डिफ्यूजन। क्या होता है, जो प्लांट है उसे उसके सारे सेलों को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये डायरेक्टली कहाँ से आता है, एयर से आता है बाय डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। सच एज सच द ओनली सब्सटेंस विच अ प्लांट नीड थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर एंड मिनरल्स से, जो प्लांट के अंदर एक ऐसा केवल एक ऐसी सब्सटेंस है जिसे हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम से चाहिए, वो है वाटर और मिनरल। वाटर और मिनरल जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही जो है प्लांट के अंदर आता है। अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन इन इट्स लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ इट्स बॉडी लाइक स्टेम रूट्स एटीजिंग। एक तो ट्रांसपोर्ट के जरिए वाटर आता है और दूसरा जो है प्लांट के लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है उस प्रिपेयर्ड फूड को हर एक सेल तक पहुंचाने में भी ट्रांसपोर्ट का वर्क जो होता है काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है काम आती है।
Transport of water and minerals. Transport of water and minerals. Plants take water and minerals and other nutrient from the soil through the roots and they transport it to the leaves. क्या होता है? Plant जो है water और minerals और other nutrients को soil से लेता है root के जरिए and transport it to leaves और इसे leaves तक transport कर देता है. The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis. और leaves जो है खाना बनाती है plant का water और carbon dioxide को use करते हुए photosynthesis के दौरान. The roots have root hair. Roots के क्या होती है? Root hair होती है. The root hair increase the surface area of the root for absorption of water. जो roots की root hair होती है वो क्या होती है? Surface area को बढ़ा देती है जिसमें कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करें? Absorb कर सके. And mineral मतलब root hair जो है space ज्यादा घेर लेती है और जो वो पानी और minerals को ज्यादा से ज्यादा absorb करती है and nutrients को भी. Dissolve in water जो कि पानी के अंदर dissolve होते हैं. The root hair are in contact with the water present between the soil particle. जो root hair जो है contact में आते हैं जो पानी जो है soil particle के बीच में मौजूद होता है. Plant have pipe like vessels to transport water and nutrient from the soil. प्लांट के अंदर जो है पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करती हैं और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, सोइल से. द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स. वो वेसल्स जो है स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू जो कि वास्कुलर टिश्यू बनाती है. द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम. क्या है? जो वास्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट वाटर करता है और न्यूट्रिएंट करता है इन प्लांट्स के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम कहते हैं. मतलब जाइलम के द्वारा वाटर और न्यूट्रिएंट को क्या है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द जाइलम फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल. जाइलम जो है एक कंटीन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल होता है उसके अंदर, दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द होल प्लांट. जो जाइलम जो है एक कंटिन्यूस नेटवर्क होता है उसका, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, लीव्स से ब्रांचेस, सब जगह जो है इसका एक नेटवर्क होता है जिससे कि ये जो है वाटर और न्यूट्रिएंट को लीफ और लीफ तक पहुंचा देता है और लीफ से फिर और अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन. ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन को आपको समझ में आया. जो वास्कुलर टिश्यू है जाइलम है उसके जरिए जो है वाटर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. क्या है? फूड जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हर एक सेल जो है ऑर्गेनिज्म का एनर्जी हासिल करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के टूटने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद. द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. और जो सेल जो है इस एनर्जी को यूज करते हुए जो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें अंजाम देते हैं. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. तो इसलिए जो है फूड जो है हर एक सेल के लिए जो है ऑर्गेनिज्म के जरूरी आवश्यक है. लीव सिंथेसाइज फूड. लीव जो है फूड को सिंथेसाइज करती है. द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. जो फूड जो है जो लीव्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता है, जो खाना पत्तियों के अंदर तैयार होता है, वो खाना जो है ट्रांसपोर्ट होना है टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर एक हिस्से तक. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज कैरीड टू द प्लांट पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड बाय द वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज कैरिड टू द प्लांट पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. क्या है? जो पत्तियों में जो खाना बनाया वो अब हर एक सेल तक जाता है. वो जो सेल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो किसके द्वारा जाता है? बाय द वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. वास्कुलर टिश्यू है फ्लोएम. इसके जरिए जो है लीव से उन सेल तक, उन पार्ट्स तक खाना जाता है प्लांट के जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो पत्तियों से वो फूड जो है प्रिपेयर होता है और वो फ्लोएम के जरिए जो है हर उस पार्ट तक जाता है जहां पर उसे खाने की आवश्यकता होती है, जहां वो जो पार्ट जो है खाना खुद नहीं बना सकता, उस हर पार्ट और हर सेल तक जो है फ्लोएम के जरिए जो है जो फूड जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस द प्रोसेस बाय विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस. क्या है? ये प्रोसेस है, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. और किसके द्वारा? किसके अंदर? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के अंदर से जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाते हैं इज नॉन एज ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सोइल पजेस वाटर इज इन हाई कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू प्लांट रूट। क्या है, सोइल जो है पजेस करती है, क्या है, जो वाटर जो हाई कंसंट्रेशन है उसका रूट के कंपेरिजन में, रूट के अंदर जो है कंसंट्रेशन पानी का कम है और सोइल के अंदर ज्यादा है। तो हेंस द वाटर फ्रॉम सोइल इंटर इनटू द प्लांट रूट व्हिच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या है, अब जो पानी जो है सोइल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में तो वो क्या है रूट के अंदर जाता है जहां पर पानी की कंसंट्रेशन जो है कम है। दिस फिनोमेना इज नॉन एज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब क्या है, मिट्टी के अंदर जो है पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, रूट के अंदर कम होती है, तो सॉइल से जो है रूट के अंदर जो है पानी इंटर करता है, तो ये मेथड जो होता है डिफ्यूजन वाला होता है। इस स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ट्रांसपायरेशन, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। प्लांट जो है पानी और मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करता है। नॉट ऑल द एब्जॉर्ब वाटर इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। सारा ही पानी जो जो पानी जो है प्लांट ने एब्जॉर्ब करा है वो सारा ही पानी जो है प्लांट के द्वारा यूज नहीं किया जाता। द एक्सेस वाटर एवोपरेट थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव। उसका जो बहुत ज्यादा पानी जो है वो सरफेस जो लीव के सरफेस जो स्टोमाटा होता है एक तरह का छिद्र होता है उससे जो है पानी जो है वेपराइज होके एवोपरेट हो जाता है। ज्यादातर जो है एक्सेस वाटर जो है एवोपरेट हो जाता है इन स्टोमेटा के जरिए जो कि लीव्स के सरफेस पर मौजूद है। इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसी को हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट तो वो सारा ही पानी प्लांट के अंदर यूज नहीं होता, उसका जो एक्सेस वाटर जो है एवोपरेट हो जाता है। और वो कहाँ से एवोपरेट हो जाता है, वो जो लीव्स पर मौजूद जो है स्टोमेटा होता है उसके अंदर से जो है एवोपरेट मतलब भाप बन के बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन हेयर अराइज द क्वेश्चन व्हाई प्लांट एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सवाल उठता है कि वो जो है पानी जो है प्लांट जो है इतना पानी क्यों एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सोइल, सोइल से देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन, फिर इसे जो है छोड़ दिया जाता है ट्रांसपिरेशन के जरिए। द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, द सेम पुल दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सप वाटर फ्रॉम अ स्ट्रो। क्या है, जब ये पानी जो एवोपरेट होकर निकलता है पत्तियों से तो वहां पर एक सक्शन पुल हो जाता है, मतलब एक सक्शन प्रेशर बन जाता है जो कि जैसे कि हम एक स्ट्रो है जब हम जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रो से तो एक प्रेशर बनता है, सक्शन प्रेशर बनता है विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज ट्रांसपिरेशन ऑल्टो कूल द प्लांट। तो इस सक्शन पुल से क्या होता है, पानी जो है एक हाई प्लांट के ग्रेट हाइट तक जो है पहुंच जाता है इस सक्शन पुल से। जब पानी भाप बन के निकलता है तो वो वहां पर एक सक्शन पुल हो जाता है, वो नीचे से जो है बहुत ऊंचाई तक पानी को ले जाने में मदद करता है। तो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट, और ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जो है प्लांट जो है कूल रहता है, ठंडा रहता है। देखिए आपको थ्री प्लांट दिए गए हैं जिसके अंदर लीस्ट ट्रांसपिरेशन होता है, इसके अंदर बहुत कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी जो है कम भाप बन के उड़ रहा है, तो इसमें वाटर इज लॉस इज लीस्ट, पानी बहुत कम उड़ता है, तो इसकी लीफ कैसी होती है, स्टिप लीव्स होती है। सेकेंड है नॉर्मल ट्रांसपिरेशन, इसके अंदर जो नॉर्मल ट्रांसपिरेशन होता है इसकी लीव्स कहती है सॉफ्ट एंड शेप्ड लीव्स होती है। वाटर इसमें एवरेज ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब ज्यादा पानी इसके अंदर से लॉस नहीं होता इसमें भी। तो एक्सेस ट्रांसपिरेशन, इसकी जो लीव्स कैसी होती है, विल्टेड लीव्स होती है, विल्टेड लीव्स की वजह से क्या होता है, पानी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लॉस होता है, मैक्सिमम वाटर लॉस इज मैक्सिमम, यहाँ पर जो पानी की ज्यादा लॉस हो रहा है तो इसकी लीव्स कैसी होती है, विल्टेड लीव्स होती है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन होता है। तो इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑन प्लांट, ये क्या है, लीव्स के शेप पर ही होता है ऐसा। एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है देखते हैं। इन लोअर प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन। क्या होता है,
जो प्लांट होते हैं, जो लोअर प्लांट होते हैं या एक्विट प्लांट होते हैं, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है डिफ्यूज आउट कर देते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। इन हायर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिलीज थ्रू अ स्टोमाटा ऑफ लीव्स एंड लेंटिकल ऑफ स्टेम। जो हायर प्लांट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज किया जाता है किससे, स्टोमाटा ऑफ लीव्स एंड लेंटिकल ऑफ स्टेम से। स्टोमाटा ऑफ लीव और लेंटिकल ऑफ स्टेम से जो है इन्हें रिलीज कर दिया जाता है। पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेशन इज मेड यूज ऑफ एन फोटोसिंथेसिस। अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेशन इज मेड यूज ऑफ इन फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होता है वो जो है किसमें यूज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो जाता है। सम ऑफ द प्लांट सीक्रीट गम एंड रेजिन एज वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ प्लांट जो है सिक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में गम्स और रेजिन्स को। एक्सेस सॉल्ट आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इधर इन द बार्क ऑफ स्टेम और लीव्स और इन द पील और फ्रूट्स। क्या होता है, जो साल्ट जो होता है, एक्सेस साल्ट जो है डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टल की फॉर्म में, या तो बार्क में, बार्क ऑफ स्टेम में, या लीव्स में, या पील ऑफ फ्रूट्स में, मतलब फलों के छिलकों के अंदर जो एक्सेस जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में यहाँ यहाँ जमा हो जाता है। ट्रीज नीड बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बट बोथ आर इंक्लूड एज वेस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। क्या है, पेड़ों को जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की आवश्यकता होती है, मगर बहुत ही जो है कुछ सिचुएशन के अंदर दोनों ही क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, जबकि दोनों की आवश्यकता है और दोनों ही कुछ सिचुएशन के अंदर वेस्ट होते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, डे टाइम दिन के दौरान जो है फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर जब प्लांट अपना खाना बनाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन जो है वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है रिलीज कर दिया जाता है बाहर। रेस्पिरेशन कंटिन्यूस प्लांट डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन जो होता है दिन और रात दोनों में ही होता रहता है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब डे और टाइम जब रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है रिलीज करता रहता है। तो मेरा कहने का मकसद है दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्लांट के लिए आवश्यक है और दोनों ही प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे अच्छे से रीडिंग करेंगे, हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके द्वारा, जाइलम के, फ्लोएम के, स्टोमेटा के, रूट हेयर के। तो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। नंबर टू, ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वे कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन, ही डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है ये सेल्स ब्लड के हमें जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर थ्री जो है ये आपको खुद करना है, बहुत ही सिंपल सा जो है इसे टिक करना है आपको। इन एन एडल्ट नॉर्मल एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट इज अबाउट टाइम्स पर मिनट। सभी को पता होती है कि एक मिनट में जो है कितनी जो है हार्ट बीट होती है लगभग, जो है आपको ये बतानी है, आपको इसका आंसर खुद से टिक करना है। ठीक है, नंबर फोर, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट। बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट करता है किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक्सक्रेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नॉन ऑफ दीज। ये भी आपको खुद ठीक करना है, बहुत सिंपल सा, इसलिए हमने छोड़ा है इसे ताकि आप होमवर्क में इन्हें करें। नंबर फाइव, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड इज। जो रेड पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल होता है, प्लेटलेट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये इस तरीके से आपका ये मल्टीपल चॉइस कंप्लीट होती है। इसमें दो मल्टीपल चॉइस आपको होमवर्क में दिए गए हैं। अब देखें फिल इन द ब्लैंक्स, हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आप यूरिया, ट्रांसपिरेशन, आर्टरीज, हार्ट बीट और कैपिलरीज। आपको ये ब्लैंक्स कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ब्लैंक में फिल करना है। नंबर वन, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज। नंबर सेकंड, आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नंबर थर्ड, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द किडनी ऑफ ह्यूमन बींग इज यूरिया। नंबर फोर, वाटर रिचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्री बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज बाय ट्रांसपायरेशन।
सक्शन पुल की वजह से ही जो है ग्रेट हाइट तक जो है पानी पहुंचता है। नंबर 5, रिथमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। रिथमिक कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट क्या है, हार्ट बीट कहलाता है। सी पार्ट देंगे, राइट ट्रू फॉर ट्री ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट के आगे टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे एफ लिखना है। नंबर 1, प्लेटलेट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, बात सही है, ट्रू। नंबर 2, इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। अमीबा के अंदर जो है एक्सक्रीशन जो होता है डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ट्रू सही है। इन मैन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रेटेड थ्रू किडनीज। जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैन के अंदर जो है किडनीज के द्वारा बाहर की जाती है। नो फॉल्स, कहाँ से होती है, लंग्स के होती है। नंबर 4, जाइलम एंड फ्लोएम आर वास्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो है वास्कुलर टिश्यू है, क्या ये ट्रू है। नंबर 5, आप देखेंगे, इन द मोस्ट एनिमल सर्कुलेशन इज ब्राउट अबाउट बाय लिक्विड कॉल्ड वाटर। क्या है, ज्यादातर एनिमल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो लिक्विड किसके जरिए होता है, वो है वाटर, वाटर के जरिए होते हैं। मोस्ट एनिमल सर्कुलेशन इज अबाउट अ लिक्विड कॉल्ड वाटर। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर जो है सर्कुलेशन जो है वाटर के द्वारा होता है। ये ट्रू या फॉल्स ये आप बताएंगे, बहुत सिंपल सा है इसलिए आपको दिया है करने के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। क्या है, ब्लड का वो कौन सा कॉम्पोनेंट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यूज तक। क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। नंबर 2, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है आर्टरीज ही पहुंचाती हैं। नंबर 5, नंबर 3, द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स। इसे क्या बोलते हैं हम, जो है जो कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होती है हार्ट मसल्स की, क्या कहलाती है, हार्ट बीट कहलाती है। नंबर 4, द फिनोमिना बाय विच प्लांट लूज वाटर फ्रॉम इट्स लीव। फिनोमिना कौन सा है जिससे जो है वाटर जो है अपने पानी को लॉस करता है, उसमें से पानी जो है लॉस होता है, मतलब बर्बाद होता है, एक तरीके से खत्म होता है, तो वो क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन होता है। नंबर 5, द अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट क्या कहलाते हैं, ओरिकल होते हैं दोनों और अट्रियम होते हैं दोनों, ठीक है। ऊपर के चैम्बर जो है, अगर अट्रियम जो है प्लूरल वर्ड है, अट्रिया जो है एक, ठीक है ना, तो ओरिकल भी कह सकते हैं और अट्रियम भी कह सकते हैं। दोनों चैम्बर जो है लेफ्ट एंड राइट अपर वाले जो होते हैं, हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, उसके अपर 2 चैम्बर जो होते हैं ओरिकल भी कहलाते हैं और अट्रियम भी कहलाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अपने होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आपको अपनी साइंस नोटबुक में करना है। व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन एन एनिमल। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है क्यों नेसेसरी है एनिमल्स के अंदर। नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट इन द ब्लड। क्या होगा अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट नहीं होगा, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, अगर कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं खाल कट जाती है, स्किन कट जाती है, फट जाती है, तो क्या होगा, वहां पर जो ब्लड निकलता रहेगा और प्लेटलेट क्या करता है, उसे क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ब्लड वहां से निकलता रहेगा कंटिन्यूस और उस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। नंबर 3, व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, आप स्टोमेटा की 2 फंक्शंस आपको बताने हैं। नंबर 4, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, यह हम बताएंगे। नंबर 5, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना क्यों जरूरी है। तो इनके आंसर आप तभी कर पाएंगे जब चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे, और इन आंसर को आपको खुद से करना है और साइंस नोटबुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, आपका होमवर्क है। थैंक यू, अच्छे से वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे और बहुत ही अच्छे से अपना काम करेंगे। थैंक यू।